दही बड़े, जिसे दही भल्ले भी कहते हैं हम। भाई दही बड़े किसे नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और अगर व्रत और फास्टिंग के दौरान ये मिल जाए तो क्या कहने। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है फराड़ी दही भल्ले। शिवरात्रि आ रही है तो इस व्रत के अवसर पर हम बनाएंगे ये फराड़ी दही भल्ले। और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम बहुत ही डिलीशियस ये दही भल्ले बनाने वाले हैं। और ऐसे वैसे नहीं बनेंगे ये, बिल्कुल शाही अंदाज में बनेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट को स्टफ करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, झटपट से बन जाएंगे। तो आप इसे कभी भी व्रत और उपवास के दौरान बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए चाहिए हमें यहाँ पे 1 कप सामो, जिसे कहते हैं मोरैयो भी कहते हैं गुजराती में, व्रत के चावल कहते हैं व्रत। तो सारे नाम मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दिए हैं, आपको आप पढ़ सकते हैं। तो इसे 3 बार अच्छे से पानी से धो लेना है पहले हमें। अब व्रत के चावलों को हमें करना है कुक, तो इसे हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। 1 कप सामा के चावल थे तो सामने हम अभी 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए, इसे लीड को ढककर कुक करेंगे। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है ताकि सामा के चावल है अच्छे से पक जाए। तो 5 से 10 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से पके हैं या नहीं। मैंने अभी चेक किया है, थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी मैं इसके अंदर। आप व्रत के चावलों को कुकर में भी पका सकते हैं। 1 कप व्रत के चावल के सामने आप 2 से 3 कप पानी ऐड कर दें, अच्छे से कुक हो जाएगी। पर ध्यान रखें कि ये जले ना। तो मैंने फिर से 1/2 कप पानी ऐड किया था तो ये अच्छे से कुक हो गए हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं, बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं। इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये है 2 उबले हुए आलू, जिसे हमें पील करके इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। और ये हमारे सामा के चावल अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं तो इसे निकालेंगे हम कटोरे में, और उसी के साथ उबले हुए आलू भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ कच्चे केले भी यूज़ कर सकते हैं, आलू की जगह पे आप 3 कच्चे केले उबले हुए यूज़ कर सकते हैं। ऐड करेंगे इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च, साथ ही में ऐड करेंगे हम हरा धनिया, और उसी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। याद रखिए कि हमने सामक चावल में भी सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। मिश्रण को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आप चाहे तो टेस्ट भी कर ले, सॉल्ट एडजस्ट कर ले। और ऐड करेंगे हम अरारूट, अरारूट पाउडर फास्टिंग के दौरान हम खाते हैं, वही अरारूट पाउडर हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अच्छे से इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा अरारूट पाउडर अलग से लेंगे और उसके साथ काजू और किशमिश भी हम लेंगे स्टफ करने के लिए। तो अब कुछ नहीं करना है, सामक चावल के अच्छे से हम कटोरी जैसा बनाएंगे, उसके अंदर हम काजू और किशमिश को स्टफ कर लेंगे और इसकी किनारियों को सील करते हुए हम इसका अच्छा सा बोल बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इस दही वड़े को चाहे तो अप्पे पैन के अंदर भी बना सकते हैं, बिना तले हुए, एक हेल्दी वर्जन में यह बनेगा। मैं तो यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो अप्पे पैन में भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे बोल्स बनाएंगे। फिर इसको हम अरारूट पाउडर के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे हमारे दही वड़े के जो बोल्स है उसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुल 11 बोल्स रेडी किए हैं, आधे स्टफिंग में से ही मैंने ये बोल रेडी किए हैं, और 11 से 12 आपके बनेंगे। तो फिर इसे हमें डीप फ्राई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिए कि पहले मीडियम फ्लेम पर ही बॉल्स ऐड करें और फिर गैस की फ्लेम को फास्ट करें और अच्छे से तल लें। यहाँ पे हमारे जो ये दही बड़े हैं वो बिल्कुल ही सुनहरे कलर के ब्राउन नहीं होंगे। तो जब तक कि हमारे बॉल्स हम तल रहे हैं, तब तक हम इसकी दही तैयार कर लेते हैं। दही को कटोरे में निकाल कर इसे विस्क वायर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर हम जितनी चीनी पसंद करते हो उतना स्वाद अनुसार पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे और फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, आप जिस तरीके से पसंद करते हो ऐसी कंसिस्टेंसी का दही आप तैयार कर लें।
तो आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े हैं जो अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके दही बड़े बिल्कुल ही परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी, 10 मिनट तो काफ़ी है। तो इसे मैं निकाल लूँगी। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हो गए और अंदर से उतने ही नरम और मुलायम। तो इसी मेथड से आप सभी दही बड़ों को फ्राई कर लें और निकाल लें। और ये बहुत ही क्रिस्पी है, आउटर लेयर इसका मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी क्रेकलिंग आवाज़ आएगी, बहुत ही खस्ता बने हैं। रुकिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने मुलायम बने हैं। अभी तो ये बहुत ही गर्म है, थोड़े से हाथ भी जल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये। तो ये हमारे दही बड़े तैयार है। इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखे ताकि उसका आउटर लेयर है वो नर्म हो जाए, और थोड़ा सा दबा के निचोड़े, ज़्यादा ना दबाए, और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व कर दे। तो मैंने इसे सर्विंग प्लेट पे निकाला है, उसके ऊपर आप दही छिड़क दे जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से, मीठा या बिना चीनी वाला दही आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे लाल मिर्च और भुना जीरा से सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो, आप अगर धनिया की चटनी खाते हो तो धनिया की चटनी या फिर मीठी चटनी भी इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। तो देखा ना दोस्तों, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसे सॉफ्ट और शाही अंदाज के दही भल्ले बस कुछ ही चीज़ों से और बिल्कुल ही कम समय में हमने तैयार कर लिए हैं। सामग्री की लिस्ट मैंने दी है, नोट डाउन कर ले। और फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचते रहे इसके लिए मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ये घंटी भी दबा दे ताकि मेरी नई रेसिपीज आपको मिल जाए।